देखो भाई ये वाला झाड़ा जो ये वाला नया बनाया अंदरों अद्धिया अद्धिया लेना चेंज करनी जिमे बारह लेना सिंडीकेट ची आप पता भी अद्धिया छे लेना भी कर दें चेंज भी थोड़ी सौखी हो जूगी आधा बदल दिया अद्धे बदल नाल पता की है आ पहले तो इतो अस पोटा खोलनिया पैनिया फट्टी दया फिर ब्लेड चेंज कर लगे वो बिच चढ़ती है फट्टी चाहे तो फट्टी उत्तों की हथ पाओ चाहे थलों की पाओ फिर थलों की पाने तो नीवी होंगी है फिर ये आह मैं पट्टा ही लाता वो फट्टी काट दी आ कर करके चेंज करता मैं सिस्टम देखो भाई वो आज लगभग हो गए 10 दिन मशीन पे लगे काम मशीन पे काम चलते अपन कितना दिन हो गया मशीन पर काम करता लगभग पुनिया तू की बार आया थी भाई तू की बार आया थी ऐतवार था आज मंगलवार 10 दिन 10-11 दिन हो गए आज नहीं हाँ। मशीन पर लग गया हाँ। मैं पूरी तो ये प्लेट लेके आए थे उसके में यहाँ से मतलब काट काट के और ऐसे टुकड़े बनाए थे और उसके बाद में ये सीढ़ियों से जाल बनाया था सामान देखो एक बार देखो भाई क्या हाल कर दिया इसका और एक और दिखाता हूँ आपको ये देखो भाई यहाँ से सब कुछ देखो इसको भाई घर पे ही तैयार किया जाल को देखो मतलब बिल्कुल कोई मतलब बता नहीं सकता भी घर पे तैयार किया हुआ आके आज लगे हुए हो गए भाइयो 11वां दिन है आज मशीन के ऊपर मतलब रिपेयरिंग करते हुए तो भाइयो दिन काफी ज्यादा लग गए हैं आज बस लास्ट दिन है आज मतलब शाम तक काम हो जाएगा भाइयो जाल वगैरह सारे कुछ घर पे बनाए हैं सारा कुछ सामान तो बस आज जल्दी से कुछ तैयार हो जाए शाम तक हो जाएगी तैयार बढ़िया तो आज ट्रैक्टर अपना बाहर खड़ा था इसको मैंने अंदर खड़ा दिया तो भाइयो सिलेंसर लगने के बाद में क्या पटाखे मारता है जैसे रेस का अपने जैसे झटका देते हैं तो भाइयो पटाखा इतना शानदार बाकी भैया जुगाड़ मैंने खुद ने बनाया था ये देखो तो नीचे से यहाँ से थोड़ा धुएं से काला हो गया क्योंकि भाई यहाँ से जो धुआं थोड़े थोड़े नीचे निकलता है बाकी एक बार सिलेंसर भाई थोड़ा सा टेढ़ा है इसका थोड़ा सा पीछे की तरफ है वो थोड़ा सा ऐसे चलो कोई ना बाकी ये तो मैंने टेम्परेली किया था भाइयों बाकी कोई ना पक्का जुगाड़ करेंगे इसका गर्म हो नीचे स्पोर्ट भी लगाने वाली है इसकी स्पोर्ट नहीं है तो भाई ज़्यादा दबाव इन जो पीछे दो नट है उन पे पड़ता है चलते हैं मशीन की तरफ एक बार पीछे से देखो टायर
एक बार ऊपर चलते हैं, ऊपर से मैं आपको बताता हूँ बेस क्या थोड़ा बहुत मतलब क्या काम किया ऊपर से भाइयों। ये आ गए भैया, लो जी अपने 5405 पे स्टीयरिंग थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो एक तो इसका ये जो पंप है जो अपने आगे कटर वाला होता है, और दूसरा एक तो ये मतलब इसमें थोड़ी बहुत लीकेज थी तो ये सेट किया, और बाकी भाई जो अपनी टंकी है, टंकी के नीचे जो टी है पिछली साइड है थोड़ी सी यहाँ पे, तो एक वो टी नई डाली है भाई, उसके अंदर से मतलब डीजल थोड़ा बहुत लीक होता था, और बाकी जो पीछे शापट है वो मतलब उसके मतलब वो शापट के अंदर जो क्रॉस होते हैं भाई वो नए डाल दिए लगभग, एक प्रकार से मानो कि आप लगभग। मशीन ऐसे खड़ी है, बस कल जो मशीन पे थोड़ा स्टार्ट करके पीछे गया था क्योंकि कंप्यूटर खराब है जो वो लेके गए थे मंदिर पे लगा के थे, वो भी मतलब थोड़ी बहुत जगह थी वहाँ पे सारा एक प्रकार से सब कुछ मतलब ओके कर दिया भाई, ओके रिपोर्ट कर दिया मशीन की, मतलब जहाँ पे भी थोड़ी बहुत दिक्कत थी वहाँ पे मतलब बेल्ट वगैरह कर दिया है सारी कुछ जगह यहाँ पे, जैसे ये देखो और पीछे की साइड में देख लो आप, और ये जो फैन बेल्ट वगैरह सारे ने डाल दी, और ये जो पीछे सापट है सापट मतलब ये तो इन दोनों एक तो वो वाली सापट और भाई ये वाली सापट, इन दोनों सापटों को खोल के अंदर ग्रीस कर दिया, और इन दोनों के अंदर क्रॉस नहीं डाल दिए, और एक जो मेन सपोर्ट होती है वो ट्रैक्टर से आती है तो वो भी भाई उसके भी क्रॉस नहीं डाल दिए। बाकी भाई आज लास्ट दिन है, आज मतलब लगभग मशीन तैयार हो जाएगी, लगभग क्या पूरी तैयार हो जाएगी भाई, आज 11वां दिन है मशीन पे लगे हुए। इसे देखो जॉन डियर को पूरा फिक्स कर गया बीच में, ये फिर सपोर्ट है, सारा खिल रहा पड़ा है देखो।